मोशनल ईएमआई ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ लूप इसी एक्सिस के अबाउट। हम जो अभी पढ़ रहे होंगे मोशनल ईएमआई ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए लूप, ये वाला पार्ट हम सीख रहे होंगे। जैसे सपोज कीजिए ये एक लूप है, कोई भी एक करंट सॉरी कंडक्टिंग लूप है इस तरह का, और इसको रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आगे की तरफ है यूं इस लूप के परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लीजिए लूप का एरिया है ए, एंड नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है एन, एरिया ए है और नंबर ऑफ टर्न्स है एन। तो अब अगर हम इसको रोटेट करें किसी एक्सिस के अबाउट, सपोज ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा, ये हमने दी इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो अब आपको ये निकालना है इसमें कि क्या फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा। पहले तो ये बताओ, बताओ क्या, सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलिए, क्या फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी देखते हैं। मान लो एट टी इक्वल टू जीरो ये सिचुएशन है जो आपको दिखाया गया है, इस समय जो एरिया वेक्टर होगा वो भी आगे होगा, परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो बी भी आगे ही है। तो इस समय जो फ्लक्स होगा फाइ इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स थ्रू ईच टर्न बी डॉट ए, बी और ए के बीच का एंगल है जीरो डिग्री, तो ये एन बी ए कोस जीरो, तो ये आपका आया एन इंटू बी इंटू ए, ये इनिशियल फ्लक्स है। अब जिस तरह से ये कोइल रोटेट करेगी, आप बताओ बी वेक्टर टर्न करेगा कि एरिया वेक्टर टर्न करेगा? बताओ, जिस तरह ओमेगा दिखा रखा है एरिया वेक्टर टर्न करेगा। अगर ओमेगा मान लीजिए कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट स्पीड से घुमाया हुआ है, तो किसी टी टाइम में एंगल टर्न हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। अगर एंगल टर्न हो गया ओमेगा इंटू टी तो इसका मतलब बी तो सीधा ही है, लेकिन जो एरिया पहले सीधा था वो घूम गया अंदर की तरफ, ओमेगा टी अंदर घूम गया। तो अगर मैं लिखूं एट टाइम टी बताओ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिखा जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स है एन इंटू बी डॉट ए करोगे तो बी इंटू ए इंटू कोस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा टी टाइम में, जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। अभी बताओ क्या यहां तक आया है समझ में? हाँ भाई, अब बताओ क्या ये फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब भी फ्लक्स टाइम का फंक्शन होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहां पे ईएमआई होगा, और ईएमआई होगा तो इसका मतलब ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। तो अब देखो मैं आपको एक स्टार्टिंग क्लास की तरफ लेके चलता हूं जहां से तीसरा मेथड अब चला है। हमने कहा था कि फ्लक्स में तीन बातें होती हैं, बी इंटू ए इंटू कोस थीटा। पहला तरीका देखा कि आप बी को चेंज कर लो, एरिया और थीटा को सेम रखो। बी को चेंज कर लीजिए, एरिया और थीटा को सेम रखिए। अगर आप एरिया और थीटा को सेम रखते हैं तो मतलब आपने लूप स्टेशनरी कर दिया, मैग्नेट को दूर या पास लेके जा रहे थे, और इस तरह से जो ईएमआई हुआ था वो कौन सा था आपका? वो कौन सा था? स्टेटिक ईएमआई, याद है ना? ये तो पढ़ लिया हमने स्टेटिक ईएमआई, ठीक है। उसके बाद एरिया, एरिया को चेंज करने के दो तरीके थे, या तो वायर को ट्रांसलेट कर दिया या वायर को रोटेट कर दिया, है ना? पिछली दो क्लासेज में दोनों काम हम सीख चुके हैं। लूप की एक फ्रेम तीन साइड फिक्स थी,
एक चौथी साइड या तो रोटेट कर रही थी या ट्रांसलेट कर रही थी, उससे लूप का एरिया चेंज हो रहा था, उससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता। और आज अब हम तीसरे मेथड पे चले हैं, तीसरा मेथड, ना तो लूप का एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, आप ओनली क्या चेंज कर रहे हो, बी और ए के बीच का एंगल चेंज कर रहे हो, आप ओनली बी और ए के बीच का एंगल चेंज कर रहे हो, ये थीटा चेंज कर रहे हो, तो थीटा को चेंज होने से भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ये तीसरा तरीका है ईएमआई का। अभी बताइए क्लियर हुई कि नहीं बात, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब देखो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है डीफाई बाई डीटी। क्लियर, आप माइनस लगाना चाहो लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस तो केवल डायरेक्शन के लिए होता है, ईएमएफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस माइनस तो डायरेक्शन के लिए होता है। तो आप यहां से बताओ कि इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए और कोस ओमेगा टी। एन बी ए तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि केवल टाइम चेंज हो रहा है, तो एन बी ए तो बाहर आ गया। डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी, कोस का क्या होता है, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो ये तो बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस मैंने बाहर लगा दिया, साइन ओमेगा टी, लेकिन ये टाइम के रेस्पेक्ट में है तो चेन रूल कहता है पहले इसको ढक लो, साइन ओमेगा टी कर दो और फिर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, ओमेगा टी का टाइम के रेस्पेक्ट में ओमेगा, तो इनटू ओमेगा से और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में है एन बी ए। आप बताओ ये डिफरेंशिएशन आया कि नहीं आया समझ में। हाँ भाई डिफरेंशिएशन क्लियर है हर बच्चे को, हर एक को? ठीक है, तो ईएमएफ देखिए क्या बना, माइनस बी ए ओमेगा एन और इनटू साइन ओमेगा टी, साइनोसोइडल ईएमएफ आ गया टाइम के साथ चेंज होने वाला। माइनस कुछ नहीं बताता, माइनस तो केवल इसलिए होता है कभी पोलरिटी किधर होगी कभी किधर। मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको, ये जो ईएमएफ आया इसको हम ई नॉट बोल देते हैं, ईएम बोल देते हैं, ई मैक्सिमम, ये ई मैक्सिमम है और साइन की वैल्यू तो 1 से माइनस 1 तक चलती रहती है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं आपको कि ये किस तरह की वोल्टेज जनरेट हुई है, अगर मैं ये बना के दिखाऊं आपको, तो देखिए विद टाइम आपको ईएमएफ जनरेटेड लिखना है। देखो कभी एसएचएम के टाइम, कभी ऑसिलेशन के टाइम हमने एक ग्राफ पढ़े थे, बातें नहीं इधर देखें, एसएचएम के टाइम हमने एक ग्राफ पढ़े थे, माइनस साइन ओमेगा टी, साइन अगर आता है तो जीरो से स्टार्ट होगा या एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा बताओ, साइन अगर आता है तो जीरो से स्टार्ट होगा या एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा? जीरो। कोस आता तो एक्सट्रीम से, अब प्लस का साइन आता तो ऊपर स्टार्ट होता और माइनस का साइन आ रहा है तो नीचे स्टार्ट होगा। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, यहां एक कंप्लीट टाइम हो जाएगा दैट इज 2π/ω और जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ये ग्राफ में हम दिखा देते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बनेगी बी ए ओमेगा इंटू एन। आप बताइए ये वाला ईएमआई समझ में आया कि नहीं, कि केवल एंगल चेंज करके, ना बी चेंज किया ना एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज किया, केवल एंगल चेंज करके आपने ये ईएमएफ जनरेट करवा दिया। हाँ भाई क्लियर है? ठीक है, अब देखो सुनो, ये कभी नेगेटिव साइड दिखा रहा है कभी पॉजिटिव, दरअसल ये एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ईएमआई के बाद। और एक तरह से ये आपने पढ़ क्या लिया है, अभी मैंने आपको किसकी वर्किंग पढ़ा दी है, द एसी जनरेटर की, मैंने आपको पूरी वर्किंग बता दी है एसी जनरेटर की। जनरेटर आप याद करो 10th में आया था, जनरेटर और मोटर दोनों। अब वो जो जनरेटर है, अब मोटर तो नहीं है अब 12th क्लास में, एसी जनरेटर दोबारा से है 10th में, शायद ये फ्लक्स और ये ईएमएफ इस तरह से नहीं निकालते हैं, वहां एक्सप्रेशन नहीं निकालते, वहां केवल वर्किंग क्वालिटेटिवली समझाई जाती है कि बस ये एसी जनरेटर है। 12th में भी एक्सप्रेशन निकाल लें,
देखो मेरे पास अभी बाई चांस में एनसीईआरटी बुक लेके नहीं आया, उधर रखी हुई है। आप निकालो एक बार अपनी बुक निकालो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 224 निकालिए, पेज नंबर 224 मुझे पेज नंबर याद है, बस वो मैं बुक नहीं लेके आ पाया हूं अभी। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 224, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या इस पे जनरेटर है इस पेज पे? यस सर। है ना, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये पढ़ना है, खुद रीडिंग लगानी है। मैंने तो उसमें मेन बात थी जो वर्किंग थी वो समझा दी। एक बार क्यों देखो, क्या ग्राफ दिखा रखे उसमें कहीं? शायद फ्लक्स का भी ग्राफ और ईएमएफ का भी हो। एक बार देखिए, मुझे बताइए क्या उसमें ग्राफ दिखा रखे हैं? तो फ्लक्स वाला देखो, फ्लक्स वाला कोस, कोस मतलब कहां से स्टार्ट होगा, एक्सट्रीम से कि मीन से? एक्सट्रीम। और बाहर प्लस है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से। एक बार ग्राफ में आप देखिए, क्या उस टेक्स्ट बुक में जो ग्राफ दिया है कोस का ग्राफ पॉजिटिव एक्सट्रीम से दिखाया है क्या ऊपर से, इसका फ्लक्स का? यस। है ना, अगर ऐसा है और फिर इससे ये ईएमएफ आया, फिर आप वहां से मैच करो, क्या ईएमएफ का ग्राफ जीरो से दिखाया है नीचे की तरफ, जीरो से नीचे की तरफ? बताओ यार, नहीं तो मुझे बुक उठा के लानी पड़ेगी उस साइड से, और कुछ नहीं। हाँ भाई, इस बात का जवाब दो ना, ईएमएफ का ग्राफ कैसा दिखाया गया है, क्या जीरो से नीचे की तरफ जा रहा है क्या ईएमएफ उसमें ग्राफ में? चलो कोई बात नहीं, आप देख लेना। इन केस अगर यहां साइन आता है तो यहां कोस आएगा, मतलब एक ग्राफ, अगर बात यह है फ्लक्स और ईएमएफ में, अगर एक ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा ग्राफ एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ होगा। ये बात क्लियर होगी होगी आपको। अब ये आप पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि आपने, मैं पढ़ा दूंगा अगली क्लास में, बट ये चीज आप टेंथ में पढ़ चुके होते हैं, एसी जनरेटर। मैंने उसकी वर्किंग अभी बताई है, मैं जनरेटर नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, जनरेटर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो ईएमआई पढ़ा रहा हूं। जनरेटर तो इसके लास्ट में हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसकी वर्किंग यही है जो आपने अभी सीखी है। अब इसमें एक जो काम की चीज है उस पे आते हैं। ये जो ई मैक्स है ये कितना है, ये देखो आप, ई मैक्स की जो मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगी वो है बी ए ओमेगा इंटू एन। मैक्सिमम वोल्टेज जो जनरेट होगी दैट इज बी ए ओमेगा इंटू एन। अगर मैं इसे एक फॉर्मूले की तरह बना के देखूं तो क्या बनेगा बताओ, किस तरह से? अगर मान लो मैं ओमेगा को अलग कर लूं तो ये बचा एन बी ए, ओमेगा अलग किया तो ये बचा एन बी ए। अब मैं आपको बताता हूं कि मैक्सिमम वोल्टेज किस तरह से आपको याद रखनी है। यूं बताओ, इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा? मैक्सिमम फ्लक्स अब होगा जब ये ऐसे सारी की सारी फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके जा रही है, तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा एन बी ए। मिनिमम फ्लक्स कितना होगा? मिनिमम फ्लक्स तब होगा जब ये पैरेलल हो जाएगा, जब ये घूम के लूप यूं हो जाएगा तो फील्ड लाइन इसको टच करके जाएंगी, फील्ड लाइन इसको टच करके निकलेंगी, इसको क्रॉस नहीं करेंगी। तो मिनिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। यहां से निकाल लो डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव इज फाइव मैक्स माइनस फाइव मिनिमम, फाइव मैक्स माइनस फाइव मिनिमम इज एन बी ए माइनस जीरो। और अब जो ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस होगा दैट इज ओमेगा इंटू डेल्टा फाइव, ओमेगा इंटू डेल्टा फाइव, तो ओमेगा इंटू एन बी ए। बताओ बी ए ओमेगा एन आ गया कि नहीं आया? आप बताइए मैक्सिमम ईएमएफ किसी भी जनरेटर में कैसे देखना, क्या है, समझ में आ गया है कि नहीं आपको? Yes, sir. देखो कैसे भी एक्सिस दिया जा सकता है, कैसे भी एक्सिस दिया जा सकता है कि बी और ए के बीच का एरिया चेंज हो। हाँ जी, थीटा मैक्स और थीटा मिनिमम, थीटा नहीं, थीटा नहीं, ये फ्लक्स, हाँ फ्लक्स मैक्स और फ्लक्स मिनिमम। किसी लूप में से मैक्सिमम फ्लक्स तब होता है जब सारी फील्ड लाइन उसको नॉर्मली क्रॉस करे, और मिनिमम फ्लक्स तब होता है जब सारी फील्ड लाइन उसको टच करके निकल जाए, जीरो फ्लक्स होगा। तो देखो जैसे ये लूप घूमना स्टार्ट करेगा, अब ये लूप ऐसे है तो सारी फील्ड लाइन इसमें से जा रही है डायरेक्ट नॉर्मल, तो एन इन एन तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू बी इनटू ए इनटू कोस जीरो, तो ये तो मैक्सिमम फ्लक्स है रोटेशन का।
मिनिमम फ्लक्स तब होगा जब ये बिल्कुल पैरेलल हो जाए, क्योंकि फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती है। ये यहां से यूं हो जाएगा, तो फ्लक्स मिनिमम कितना हो गया आप बताओ, कितना है इस वक्त फ्लक्स? कोई फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं कर रही है, तो एरिया 90 हो गया, जीरो हो गया। तो आप डेल्टा फाई निकाल लो, फाइव एक्स माइनस फाइव मिनिमम एन बी आ गया, उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका ई मैक्स है। अभी बताओ फाइव एक्स फाइव मिनिमम आया क्या समझ में, कैसे निकाला है? ठीक है, तो मैंने ये क्यों बताया आपको, हो सकता है जैसे नॉर्मल जनरेटर तो आप ऐसा पढ़ते हैं, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि इसी एक्सिस के अबाउट जनरेटर घूमता हुआ है। जैसे सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं इसी चीज को समझाने के लिए कि ये मैक्सिमम वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं, इस चीज को समझाने के लिए मुझे एक कॉइल ये दी गई, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एरिया ए है, और बी इधर लगा रखा है, बी मैंने आगे की तरफ लगाया और इसको ओमेगा से घुमा दिया। एक अरेंजमेंट ये दिया गया, पहला अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट मैं बी चेंज कर रहा हूं, बाकी सेम रख रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एरिया ए है, सिमिलर लूप है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही रखा है, लेकिन बी अंदर की तरफ लगा दिया। हाँ भाई आप बताओ, क्या दो पार्ट आए समझ में, क्या दिए मैंने डायग्राम? ठीक है, तीसरा मान लो, अगेन वो आइडेंटिकल स्क्वायर लूप मान लो आप, लेकिन इसमें मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे कर रहा हूं, डायगनल के अलोंग, एक डायगनल के अलोंग इसको घुमाया और बी मान लीजिए आगे की तरफ है, ये आपका सी अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट और यही कर लेते हैं, यही सेम, लेकिन बी आगे ना लेके, इसमें तो बी आगे की तरफ लिया है, उसमें भी आगे ना लेके अंदर की तरफ कर देते हैं। सेम अरेंजमेंट, डायगनल के अबाउट रोटेट किया गया और मान लीजिए कि बी है अंदर की तरफ, ये आपका डी, ए बी सी डी, ये चार पार्ट है। अब आप ये बताओ कि जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी रैंकिंग कर दी, ए बी सी डी, किसमें ज्यादा होगा, फिर किसमें कम होगा, किसमें कम होगा, इस तरह से। देखो सुनो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं तब तक एनसीईआरटी बुक उठा के लाता हूं, आप एक बार आराम से ना रैंक द ईएमएफ जनरेटेड ग्रेटेस्ट फर्स्ट, ए बी सी डी कोई इक्वल हो तो इक्वल छोड़ देना, कोई बात नहीं, ईएमएफ जनरेटेड आपको निकालना है। और सबसे बड़ा पहली बात, सारे लूप एक जैसे हैं, स्क्वायर लूप है, ए एरिया है और एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, आप दो मिनट ट्राई कीजिए, मैं आता हूं। अभी निकाल लिया ऑर्डर, बी एंड इक्वल, एक मिनट मैं लिखता हूं, आप जो बोलेंगे मैं वही लिख रहा हूं। मैक्सिमम किसका है इसमें,
मैक्सिमम या किन के इक्वल बताया आपने? बी बराबर डी हो सकता है सही हो, और बताओ। देखो एक एक करके निकालते हैं, एक एक करके। सबसे पहले ए पार्ट, सबको ओमेगा से घुमाया जा रहा है, सब में ए एरिया है, एन टर्न्स है, इस तरह का अरेंजमेंट है। ए पार्ट, ए पार्ट में आप बताओ फाई मिनिमम इस वक्त दिख रहा है, इस वक्त फील्ड लाइन केवल टच करके जा रही है, तो ए पार्ट में फाई मिनिमम कितना है? जीरो दिख रहा है ना ये, ठीक है। फाई मैक्सिमम कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू। जब ये यूं हो जाएंगी, ये वही तो अरेंजमेंट है जो अभी थोड़ी देर पहले जनरेटर टाइप हमने पढ़ा था, ये यूं हो जाएगा तो बी इसको क्रॉस करके जा रही है बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो फाई मैक्स बनेगा एन इंटू बी इंटू ए इंटू कोस जीरो। यहां से आपने डेल्टा फाई निकाल लिया, फाई मैक्स माइनस फाई मिनिमम वो आया एम बी ए, और उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो ई मैक्स आया पहले केस में वो आया एन बी ए इंटू ओमेगा। अब बताओ फर्स्ट पार्ट क्लियर है क्या सभी को? फर्स्ट पार्ट, सेकंड, अब सेकंड पे आते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में जिस तरह का अरेंजमेंट दिया है, इस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम है, तो फाइव एक्स मुझे दिख रहा है एंड ये आपको दिखना चाहिए बी और ए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एन इंटू बी इंटू ए। फाइव मिनिमम, जब ये लूप घूम के ऐसे हो जाएगा, जब ये लूप देखो ये लूप यहां पे है, घूम के ऐसे हो जाएगा तो फील्ड लाइन पैरेलल होगी, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? जीरो। जीरो, अगेन आपका डेल्टा फाई एन बी ए, तो ई मैक्स इसको डेल्टा फाई को ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है, एन बी ए इंटू ओमेगा। अब मैं चलता हूं डी पे, क्योंकि एक बच्चे ने बताया बी और डी में सेम आ रहा है। डी को चेक करते हैं, जो अरेंजमेंट दिखाया गया है, जो अरेंजमेंट दिखाया गया है, आप बताओ इस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम, फील्ड लाइन नॉर्मली क्रॉस करके जा रही है, ये और ये सेम है, ये तो दिखने में रेक्टेंगल बन गया, मैंने सेम लूप दिया स्क्वायर, ये और ये सेम है, तो फाइव मैक्स अगेन एन बी ए। अब थोड़ी देर में देखो ये लूप यू घूम के ऐसे हो जाना है, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे थे, ये लूप घूम के ऐसे हो जाना है, मेरा हाथ दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये लूप घूम के ऐसे हो जाना है, ऐसे होगा तो फील्ड लाइन सारी पैरेलल हो जाएंगी भी, आ रहा है समझ में? तो फ्लक्स मिनिमम कितना हो जाएगा? हाँ जी बोले। जीरो। जीरो, यार साफ दिख रहा है शायद या नहीं दिख पा रहा है, अब क्या करूं मैं तो इससे साफ तो मैं करूंगा भी, कर भी नहीं सकता हूं। अरे बोर्ड नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, फाइव मिनिमम इज जीरो, जीरो कैसे ये यूं हो गया तो फील्ड लाइन केवल टच करते हुए निकलेंगी, अगेन डेल्टा फाइव इज एन बी ए, और आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो ई मैक्स फिर दोबारा से आपका आ गया एन बी ए इंटू ओमेगा। ए बी और डी तीनों में तो बराबर आ गया, अब बचा है एक सी, सी को चेक करते हैं, सी को देखते हैं कि भाई क्या होगा। सी में जो अरेंजमेंट दिखाया गया है उस वक्त फ्लक्स जीरो है कि नॉन जीरो है? बताओ। जीरो। जीरो, क्योंकि फील्ड लाइन केवल टच करते हुए निकल रही है, तो मैं सी इससे ऊपर दिखाता हूं, यहां सी वाले में फ्लक्स मिनिमम इज जीरो। अब मैं बात करूं मैक्सिमम कब होगा, तो देखो यार ये लूप यू घूमेगा, अभी तो फ्लक्स जीरो है, अब ये लूप यू घूमेगा, ये लूप जब ऐसे हो जाएगा तो फील्ड लाइन इसको मैक्सिमम तरीके से क्रॉस करके जा रही होंगी और उसके बाद फिर दोबारा ये जीरो होने की तरफ चला जाएगा, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? जब ये लूप घूमते घूमते ऐसे हो चुका होगा, और जब ये लूप ऐसे होगा तो इसका एरिया वेक्टर क्या पैरेलल हुआ बी के? बताओ, जब ये लूप ऐसे हुआ तो क्या एरिया वेक्टर पैरेलल हुआ बी के या नहीं हुआ? मान लो ये स्क्वायर है और ये एंगल बन गया 45 डिग्री या कुछ भी थीटा बना, मैंने कहा 45 डिग्री, तो जो फाई मैक्स होगा, फाई मैक्स दैट इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू ए इंटू कोस 45 डिग्री,
यानी कि 1 बाई रूट टू एन बी ए अपॉन अंडर रूट टू। तो अब अगर आप डेल्टा फाई निकालते हो, डेल्टा फाई दैट इज एन बी ए अपॉन रूट टू, और ई मैक्स जो होगा वो इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है, तो ओमेगा एन बी ए या एन बी ए ओमेगा अपॉन रूट टू। तो ये बताओ ये बाकी तीनों से कम है कि ज्यादा है? कम है ना, डिवाइड बाई रूट टू आ गया। तो इसका मतलब इन चारों में अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब इस तरह से जनरेटर पे क्वेश्चन जनरेट करके दिया जा सकता है कुछ भी चेंज करके। तो रैंकिंग आई ए बी और डी तो बराबर और लेस देन सी, ये इसकी रैंकिंग आई। ऑप्शन ही ऐसे भी लिखा सकता है कि ए बी डी टाई देन सी, इस तरह से भी लिखा रह सकता है कि भाई पहले बड़े वाला और देन उसके बाद वाला, ये इसकी रैंकिंग आई। चलो ये बताओ ये, हाँ जी सर, ये डी वाले में फिर डी वाला दोबारा देख लो, देख लो एक बार। इस वक्त तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सेम दिख रहे हैं जो दिखाया आपको घूमने से पहले, बताओ ये और ये सेम नजर आ रहा है क्या अभी डायग्राम में? भाई ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लिया और इसमें ये ले लिया, बाकी सेम है। तो बी और डी दोनों में फाइव एक्स से शुरुआत हो रही है, फाइव एक्स NBA NBA, लेकिन इसमें देखोगे ये घूमते घूमते ऐसे हो जाएगा फील्ड लाइन के पैरेलल, तो फ्लक्स मिनिमम जीरो। इसमें देखोगे ये घूमते घूमते ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया तो फील्ड लाइन तो अंदर है, तो सारी फील्ड लाइन इसके पैरेलल होगी लूप के, अगर लूप के पैरेलल होगी तो अगेन फाइव मिनिमम आपका जीरो होगा। अभी बताओ क्लियर हो गया है कि नहीं? हाँ जी भाई समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताओ जिसने पूछा था वो जवाब दीजिए कि क्लियर हुआ कि नहीं एबीसीडी सारे? किसमें डी पार्ट में कहां पे दिक्कत है ये बताओ ना, कौन सी जगह दिक्कत है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही हो बताओ? फाइव एक्स आ रहे क्योंकि क्योंकि सुनो सी वाले में भी घूम के ऐसे हुआ, घूम के ऐसे हुआ, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, ध्यान से देखना अभी, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, एरिया और बी के बीच का एंगल तो 45 डिग्री है, लेकिन यहां देखोगे एरिया वेक्टर ऐसे और बी अंदर है, तो यहां बताओ एरिया और बी के बीच का एंगल कितना है? सेम है अरेंजमेंट तो बिल्कुल सेम है, लेकिन बी अलग है, यहां भी आगे दिख रहा है बोर्ड पे और यहां भी अंदर है, अगर बी अंदर है तो बी और एरिया के बीच का एंगल कितना हुआ, कितना हुआ बी और एरिया के बीच का एंगल इस वक्त बताओ? 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर होता है तो कोस 90 जीरो होता है, इसीलिए फ्लक्स मिनिमम जीरो है। जब भी एरिया और बी के बीच का एंगल जीरो होता है ना, जब भी एरिया और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है उसका मतलब होता है कि फील्ड लाइन पैरेलल होगी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आप ढंग से सीखिए, देखो इसमें भी ये एक्सिस के अबाउट घूम के यूं हो जाने हैं, लेकिन फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रही है, फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रही है। इसमें भी एक्सिस के अबाउट घूम के यूं हो जाना है, लेकिन फील्ड लाइन अंदर है तो केवल पैरेलल निकलेंगी, तो फ्लक्स जीरो, इसमें नॉन जीरो। अच्छा फॉर्मूले से चले बी डॉट ए से, तो इसमें जब ये यूं हुआ तो एरिया इधर है, एरिया यूं है और जो बी वेक्टर है वो आगे है, तो बी और ए के बीच का एंगल 45 डिग्री हुआ, तो बी डॉट ए बनेगा बी इंटू ए इंटू कोस 45, जबकि इसमें बी वेक्टर अंदर है, तो जब ये ऐसे होगा तो बी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री होके फ्लक्स बी डॉट ए से जीरो हो गया। अभी बताओ अभी बी क्लियर है या कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, तो ये था रोटेशन ऑफ लूप की वजह से कैसे हमें कंपैरिजन करना होता है ईएमएफ का, ये सब चीजें। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी बुक खोलता हूं, मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 224 पे जनरेटर है, या पढ़ना यहां से थोड़ा इसकी कंस्ट्रक्शन में बाद में करवाऊंगा जब चैप्टर एंड में चलेंगे। और इन्होंने अच्छा इन्होंने अगले पेज पे खाली ईएमएफ का ग्राफ बना के दे रखा है, सुने इन्होंने अगले पेज पे खाली ईएमएफ का ग्राफ बना के दे रखा है, बिकॉज ये ईएमएफ के एक्सप्रेशन में साइन ओमेगा टी लाए हैं, तो वो मीन से शुरू होके ऊपर जा रहे हैं, हम लेके आए थे माइनस साइन, फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से, तो वो मीन से शुरू होके नीचे बन गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साइनोसोइडल ग्राफ है, आप ऊपर से स्टार्ट करो चाहे नीचे से। पेज नंबर 226 पे ग्राफ दे रखा है, और इन्होंने ये जो ग्राफ है पेज नंबर 226 पे ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ दिखा रखा है, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन में ये साइन लेके आ रहे हैं, हमारे में माइनस साइन आ रहा था तो नीचे, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल सेम है ये चीजें। अच्छा इसके बाद सुने, जस्ट इसके नीचे
कमला वाला एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 226 एग्जांपल 6.11 इस पे आते हैं। देखिए पेज नंबर 226 एग्जांपल नंबर 6.11 ये है। कमला पेडल्स स्टेशनरी बाइसिकल, द पेडल्स ऑफ द बाइसिकल आर अटैच टू 100 को। देखो आजकल तो जो साइकिल आती है उनमें स्टैंड ही साइड स्टैंड है, तो आप साइकिल को खड़ी करके उसकी पेडलिंग नहीं कर सकते हो। पहले जो साइकिल हुआ करती थी उसमें ऐसे स्टैंड होते थे कि आप स्टैंड पे लगा के भी उसकी पेडलिंग कर सकते हो, बताओ पता है ना ये तो? हाँ, तो उस तरह की साइकिल है कि स्टैंड पे लगाई, आप गद्दी पे बैठे और पेडलिंग करना स्टार्ट किया इस तरह से। पैडल्स ऑफ द बाइसिकल आर अटैच्ड टू 100 टर्न कॉइल, जो साइकिल के पैडल हैं उसको एक 100 टर्न की कॉइल से कनेक्ट कर दिया जिसका एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर, यानी कि आप इसकी पैडलिंग करके उन कॉइल को घुमा रहे हो। आपको कुछ जो दिया गया है वो हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है 100, जो एरिया आपको दिया गया है दैट इज 0.1 मीटर स्क्वायर हर एक टर्न का एरिया। द कॉइल रोटेट्स एट हाफ ए रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ये क्या चीज है? कॉइल रोटेट्स एट हाफ ए रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हाफ हर्ट्ज, हाफ ए रिवोल्यूशन पर सेकेंड, या यूं कहें इससे ओमेगा आ जाएगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन का मतलब होता है पाई रेडियन, हाफ रिवोल्यूशन का मतलब होता है पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, एक सेकेंड में इतना। अब देखिए इसके बाद, द कॉइल रोटेट्स एट दिस एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.01 टेस्ला का, किस तरह से है वो सोचते हैं, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो देखते हैं हम किस तरह से है। देखिए परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, सपोज ये कॉइल है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो साइकिल ऐसे ऐसे कॉइल को घुमाई जा रही है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर आपने बी लगा रखा है, ये व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड निकालना है। हाँ, तो ई मैक्स क्या होता है? ई मैक्स होता है ओमेगा इंटू डेल्टा फाई, है ना भाई, पढ़ा था ना हमने अभी, ओमेगा इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई के लिए इस वक्त जो अरेंजमेंट है बताओ, फाई मिनिमम दिख रहा है कि फाई मैक्सिमम, इस वक्त जो अरेंजमेंट है मिनिमम, दिस इज जीरो, एंड फाई मैक्स जब ये घूम के ऐसे हो जाएगा तो फाई मैक्स बनेगा एन इंटू बी इंटू ए इंटू कोस जीरो, तो इनमें से डेल्टा फाई निकालोगे तो एन बी ए आया, तो ये बना ओमेगा इंटू एन बी ए। आपने वैल्यूज पुट की, ओमेगा पाई यानी कि 3.14, नंबर ऑफ टर्न्स 100, बी 0.01, 100 से हट गया, एंड एरिया 0.1, ये तो हट गया 0.1, यानी कि ये आया 0.314 वोल्ट। अभी बताओ क्या ये सवाल समझ में आ गया कि नहीं आपको? यस सर। ठीक है, ये मतलब इस तरह से जनरेटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और ये हमने यहां पे सीख लिया। अच्छा, अब इसमें सुनो, मान लो क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं, ये कमला वाला ही सवाल है, साइकिल वाला ही सवाल है, लेकिन एक चेंज हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया है कि जो बी है एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, सपोज यू दिया जाए कि बी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, बी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, अब बताओ मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड कितनी होगी? जीरो। कैसे? मान लो जैसे आप, हाँ सही है, जवाब सही है, बिल्कुल सही है। देखो अब मैं ये कह रहा हूं इसीलिए क्वेश्चन रट के नहीं जाने, पता लगे कमला दिग्गी साइकिल दिग्गी तो फटाफट ये करिए ना, ऐसा नहीं है। हो सकता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही थोड़ा मॉडिफाई करके दे दिया हो, आप पढ़ के गए एनसीईआरटी, लेकिन जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन कहीं मिले। अगर ये आ गया तो अब देखो इसको आप चीज कैसे ही घुमा लो, कैसे घुमा लो, हर वक्त बी और एरिया के बीच का एंगल कितना रहना है,
आप कैसे ही घुमा लो, देखो फिलहाल बी बी तो ऊपर है, एरिया बाहर है, घूम के एरिया उधर हो जाएगा, घूम के एरिया इधर हो जाएगा, घूम के एरिया इधर हो जाएगा, तो बताओ बी और ए के बीच का एंगल कितना है हमेशा 90 डिग्री, यानी कि फ्लक्स जो है वो कॉन्स्टेंट हो गया क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो रहा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ही कॉन्स्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस डी5 बाय डीटी से कितना हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से ये जनरेटर वाले क्वेश्चन आपको करने होते हैं, यूनिक भी सीधा ही आपने यू कर दिया। अब देखिए सुनिए, हमने तीनों तरीके से ईएमआई पढ़ लिया, तीनों तरीके से ईएमआई पढ़ लिया, तीनों तरीके का मतलब है मैं एक बार फिर बताऊं कि फ्लक्स का फॉर्मूला था बी ए कोस थीटा, बी को चेंज करके स्टेटिक ईएमआई, एरिया चेंज करके मोशनल ईएमआई जिसमें एक बार ट्रांसलेशनल एक बार रोटेशनल, और लूप को मोशन में लाके ये इसको पीरियोडिक ईएमआई भी बोल देते हैं क्योंकि साइन की तरह एक पीरियोडिक फंक्शन के रूप में आ रहा है। बाकी ए और थीटा वाले दोनों इमोशनल ईएमआई है क्योंकि इनमें लूप मोशन में है और जो पहला था उसमें लूप रेस्ट पे था। अच्छा अब ये सुनो, क्या ये जनरेटर वाली रीडिंग लगाओगे आप या मैं पढ़ाऊंगा? आज ही पढ़ लोगे एक बार, ये बताओ यहां से करना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं आपने टेंथ में पढ़ा था आर्मेचर कोइल, भाई एक फील्ड होता है उनके बीच में कोइल, जो कोइल घूम रही है अभी उसको आर्मेचर कोइल बोल देते हैं और कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। जो मेन नया पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया कि जो टेंथ में नहीं आता वो मैंने आपको यहां बता दिया। ठीक है, एक बार आप पढ़ के देखना ये वाला पॉइंट जनरेटर वाला। अब हम थोड़ा वापस लौट के आते हैं, मतलब इस बुक की सीक्वेंस के हिसाब से, क्योंकि तो इसमें जनरेटर एंड में था। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ईएमआई की वजह से चार्ज फ्लोन कैसे निकालें, चार्ज फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, चार्ज फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ड्यू टू ईएमआई, चार्ज फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ड्यू टू ईएमआई, ये हमें देखना है। सपोज कोई भी एक लूप मैंने लिया और कुछ इसकी थिकनेस दिखा दी, इस तरह से ये कंडक्टिंग लूप है, ये पूरा कंडक्टिंग लूप है। अब मैं एक मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आ रहा हूं, एक मैग्नेट को मैं इसकी तरफ लेके आ रहा हूं बी स्पीड से। हमने एक चीज सीखी थी कि अगर करंट ज्यादा करवाना हो, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस करवाना हो, तो बताओ क्या ईएमएफ इंड्यूस स्पीड पे डिपेंड करता है कि नहीं? बताओ क्या ये पढ़ा है हमने पीछे कि अगर तेजी से लाएंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, धीरे लाएंगे तो कम डिफ्लेक्शन होगा, है ना? पढ़ा है ना ये? ठीक है, मान लो एक बार ये 5 मीटर दूर था और मैं इसको ले आया 2 मीटर दूर, मतलब 3 मीटर चला के आगे ले आया। फाइनल सिचुएशन ये है कि ये 2 मीटर दूर है, 5 मीटर दूर था और उससे मैं 2 मीटर दूरी पे ले आया, मतलब 3 मीटर मैंने इसको चला दिया, तो फ्लक्स बड़ा होगा कि कम हुआ होगा लूप में से? जब मैं इसको पास लेके आया हूं फ्लक्स बड़ा होगा कि कम हुआ होगा लूप में से? बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा क्योंकि पास आया है। अब ये बताओ फ्लक्स चेंज होगा तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ क्या स्पीड पे डिपेंड कर रहा है? अगर स्पीड ज्यादा है तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, और अगर स्पीड कम है तो ईएमएफ कम इंड्यूस होगा, क्योंकि हमने देखा है अगर धीरे लाते हैं तो डिफ्लेक्शन कम होता है, तेजी से लाते हैं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। तो आप तेजी से लेके आए तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा। अब ये बताओ
ईएमएफ ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा आया होगा क्योंकि रेजिस्टेंस तो फिक्स है, लूप का जो रेजिस्टेंस है वो है, और ईएमएफ कम है तो करंट कम आया होगा। अब मुझे करंट नहीं देखना, हमारी हेडिंग है चार्ज फ्लोन। मैं अगर इसका कोई क्रॉस सेक्शन बनाऊं, इसका मैं कोई भी एक क्रॉस सेक्शन बनाऊं, देखिए ये पास आ रहा है तो इसको अपोज करने के लिए या नॉर्थ पोल बनेगा या नॉर्थ या साउथ, तो करंट ऐसे आया होगा, यानी कि इसमें जो करंट बनेगा वो करंट ऐसे आएगा, इसमें जो करंट बनेगा वो ऐसे आएगा, तो चार्ज ऐसे फ्लो करके गया होगा, चार्ज ऐसे फ्लो करके गया होगा। आप बताओ, एक बार मैं तेजी से इसको 3 मीटर चला लाया और एक बार मैं धीरे 3 मीटर चला के लाया, किस केस में चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा और किस केस में चार्ज कम फ्लो करेगा, इसका जवाब दीजिए। तेजी से लेके आए तो उसमें करंट ज्यादा है, तो इसका मतलब जो चार्ज फ्लो होगा वो भी ज्यादा होगा, और धीरे लेके आए तो करंट कम है तो चार्ज फ्लो है वो भी कम होगा। एक बार दोबारा मैं अब आपसे एक एक बात पूछूंगा, आप इधर सुने। ये मैग्नेट था 5 मीटर दूर था और मैंने अब 2 मीटर की दूरी पे लाके रख दिया, 3 मीटर तक मैं लेके आए, जब तक मैं मैग्नेट को मूव करूंगा तब तक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि मैग्नेट को स्टेशनरी करते ही फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, करंट रुक जाएगा। आप तेजी से लाएंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, मतलब ईएमएफ ज्यादा जनरेट हुआ, मतलब स्पीड ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा तो करंट ज्यादा, स्पीड कम तो ईएमएफ कम तो करंट कम। अब मेरा सवाल यह है कि एक बार मैं तेजी से इसको 3 मीटर तक चला लाया और एक बार धीरे धीरे 3 मीटर चला के लाया, किस केस में जो चार्ज फ्लो करेगा ड्यू टू ईएमआई, क्रॉस सेक्शन में है ज्यादा चार्ज निकलेगा और किस में कम निकलेगा। देखो ये फास्ट वाला केस है और ये स्लो वाला केस है, ये फास्ट वाला केस है, स्लो वाला। अभी मैं दोबारा पूछता हूं, बताओ किस केस में चार्ज फ्लो ज्यादा होगा और किस केस में चार्ज फ्लो कम होगा। चार्ज फ्लोन करंट से कैसे निकालते हैं, अगर आपको कोई करंट पता हो, मान लो कॉन्स्टेंट ही करंट है, टाइम पता हो, तो चार्ज कैसे निकालते हैं, भाई जवाब दो, ऐसे चुप मत रहो यार। अगर करंट पता है और कितनी देर तक वो करंट रहा है, टाइम पता है, तो चार्ज फ्लोन कैसे निकालते हैं। आई I into T, ठीक है। तो अब मुझे इस बात का जवाब दो, यहां करंट ज्यादा है यहां करंट कम है तो चार्ज कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, जहां करंट ज्यादा है वहां चार्ज ज्यादा होगा कि कम होगा। सही से जवाब दो सोच समझ के, एक बार दोबारा देखो हो क्या रहा है। मैंने मैग्नेट को 3 मीटर ही चलाया, एक बार तेजी से चलाया एक बार धीरे चलाया, तेजी से चलाओगे तो ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा तो करंट ज्यादा आएगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखेगा अगर कोई गैल्वेमीटर, तो धीरे चलाओगे तो ईएमएफ कम जनरेट होगा करंट कम आएगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि किसी क्रॉस सेक्शन में से जो चार्ज निकला होगा इतना चलाने में, वो किस में ज्यादा फ्लो किया होगा और किस में कम फ्लो किया होगा, इस बात का जवाब दीजिए आप। चार्ज फ्लो होता है करंट इंटू टाइम। अब बताओ ना यार, अब जवाब दो, किसमें डेल्टा क्यू ज्यादा होगा और किसमें कम होगा, अगर आप फास्ट लेके गए हैं तो डेल्टा क्यू क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा क्यों, रीजन दो, ज्यादा क्यों, रीजन बोलो फटाफट बोलो, फिर मैं बोलूंगा आगे, ज्यादा क्यों। अरे ज्यादा क्यों, किस बात पे जवाब दिया कि ज्यादा, बताओ रीजन सामने दिख रहा है, आप बताओ एक बार ज्यादा क्यों बोला है आपने। अच्छा यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को भी, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, फास्ट वाले में करंट ज्यादा आया होगा और स्लो वाले में करंट कम आया होगा। अब चार्ज फ्लोन होता है करंट इनटू टाइम, तो आप मुझे बताओ चार्ज फ्लोन इसमें ज्यादा होगा क्रॉस सेक्शन में से या इसमें ज्यादा होगा क्रॉस सेक्शन में से, काफी टाइम हो गया बता दो फिर मैं, फास्ट वाले में मोर और लेस, लेस एंड स्लो वाले में मोर। कोई भी बच्चा जो बोल रहे है ना रीजन दे मुझे, यूं टाइम वेस्ट ना करो, आप जवाब दीजिए ताकि तभी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये जिसने भी बताया फास्ट वाले में लेस, कैसे कैसे बताया भी बताओ,
फास्ट वाले में लेस कैसे? अरे जवाब दो, मैं 5 मिनट से पूछता जा रहा हूं, आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं उसे। इधर सुने, चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला है करंट इनटू, हाँ देखो सुनो, चक्कर क्या है, इसमें करंट ज्यादा है, इसमें करंट ज्यादा है, परंतु तेज चल के आएगा तो जल्दी यहां से यहां आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा तो टाइम कम है। एक केस में करंट ज्यादा है, टाइम कम है, एक में धीरे आ रहा है, करंट कम है, लेकिन वो टाइम लेगा यहां से यहां पहुंचने में, तो टाइम ज्यादा होगा। यानी कि एक केस में तो करंट ज्यादा है, टाइम कम है, और एक केस में करंट कम है, टाइम ज्यादा है, लेकिन दोनों केस में डेल्टा क्यू सेम आएगा। ये बात आप याद रखना कि जब तक डेल्टा फाई सेम होगा, आप 5 मीटर से 2 मीटर की दूरी पे लेके आए, चाहे आप तेजी से लाओ चाहे धीरे लाओ, जो डेल्टा फाई होगा, डेल्टा फाई वो सेम है। इस वजह से अगर डेल्टा फाई सेम है तो जो चार्ज फ्लो करके गया होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। कैसे, मैं अभी बताता हूं। पहली बात ये बताओ, ये यहां तक समझ में आया क्या, कैसे समझाया, क्या बताया? ठीक है, अब क्यों, इसका रीजन सुनो, और बल्कि एक फॉर्मूला भी आप याद करना कि जो चार्ज फ्लो करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन में से, दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी अपॉन रेडियस, रेडियस नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग लूप। डेल्टा फाई बी तो होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, और डेल्टा सॉरी जो आर है वो है लूप का रेजिस्टेंस, आप स्मॉल आर भी लिख सकते हो, कैपिटल आर भी। कैसे, अब ये समझिए आप भाई, लॉजिकली तो बराबर हो सकता है, ये मैंने अभी समझाया ना, एक में करंट ज्यादा तो टाइम कम, एक में करंट कम तो टाइम ज्यादा, तो हो सकता है प्रोडक्ट बराबर आए, और बिल्कुल बराबर आएगा। ये देखिए आप, ऑन एन एवरेज जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, है ना, ये आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। इससे जो करंट आता है, करंट दैट इज ई बाई आर मोड ई बाई जो भी लूप का रेजिस्टेंस होगा वो, तो जो करंट आया, करंट आया डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी और इंटू 1/r। अब जो चार्ज फ्लो करेगा डेल्टा क्यू, दैट इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, कितने टाइम में वो चेंज हुआ है, जितने भी टाइम में वो फ्लक्स चेंज हुआ होगा, तो आपने करंट की वैल्यू पुट की, तो डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/r और इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो आप बताओ चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला क्या आया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। अब बताइए क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये चार्ज फ्लोन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, अगर डेल्टा फाइव भी सेम है तो? No, नहीं कर रहा। ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो यही सोचते हैं कि अगर करंट ज्यादा है तो चार्ज फ्लोन ज्यादा होगा, जबकि जब तक डेल्टा फाई सेम है चार्ज सेम रहेगा। अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं कहां पे, अपनी बुक में आप निकालो पेज नंबर 216, पेज नंबर 216, हाँ भाई इसके ऊपर देखो, एग्जांपल के ऊपर ये 3-4 लाइनों में दिख रहा है आपको यही एक्सप्रेशन, मिल गया कि नहीं मिला बताओ, ये एक्सप्रेशन मिल गया, उन्होंने बुक में शायद वो रेजिस्टेंस स्मॉल आर ले रखा है, तो उसके ब्रैकेट में, उसके ब्रैकेट में लिख लो, ताकि आपके ध्यान रह जाए ये बात की भी क्या पढ़ाई है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन फॉर फ्लक्स चेंज, कि ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि भाई कितना टाइम लिया है फ्लक्स चेंज होने में, जहां भी एक्सप्रेशन दिया उसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि ये चीज इंडिपेंडेंट है, कि कितना टाइम लगा उस पर डिपेंड कर ही नहीं रही है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए अपनी बुक में स्टार्टिंग से एक बार एग्जांपल्स पे चलिए, बस मैं डिस्कस नहीं करवा रहा, मैं पूछ रहा हूं आपसे सॉल्व एग्जांपल्स पे। एग्जांपल नंबर 6.1, पेज नंबर 208, एनसीईआरटी पेज नंबर 208, एग्जांपल 6.1, क्या ये हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी के दौरान कर लिया था?
बताओ एक्सपेरिमेंटल स्टडी के दौरान ये वाला एग्जांपल हम कर चुके हैं क्या कि लार्ज डिफ्लेक्शन कैसे मिलता है? बोलो नहीं हुआ है तो मैं अभी डिस्कस करवाऊंगा। हो चुका एग्जांपल नंबर टू पे आए, सेकंड एग्जांपल इसी के बाद है, उसको देखिए। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम, साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर, तो जो एरिया हुआ लूप का दैट इज 0.01 मीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया। रेजिस्टेंस आपको लूप की दे दी है 0.5 ओम, ये रेजिस्टेंस दिया। इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, ईस्ट वेस्ट प्लेन कौन सा, जैसे ये ईस्ट डायरेक्शन ये वेस्ट डायरेक्शन, तो इसको वर्टिकली रख दिया ईस्ट वेस्ट प्लेन में, ऐसे यूं रख दिया। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखो, मान लो अंदर की तरफ है नॉर्थ और बाहर की तरफ है साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक बी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अंदर की तरफ मतलब 45 डिग्री एंगल पे, इसके साथ 45 डिग्री एंगल पे एक बी लगा दिया। क्या समझ में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाया है? ये क्रॉस करके जा रहा है इसको पीछे की तरफ 45 डिग्री एंगल पे। अब ये बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो इन 0.7 सेकंड एट अ स्टेडी रेट। 0.7 सेकंड में डीवी बाई डीटी एक तो कांस्टेंट है ये दिया है, और दूसरी बात 0.7 सेकंड में ये जीरो हो गया, 0.7 सेकंड में बी जो है वो मैक्सिमम से जीरो हो गया, जो भी था उससे जीरो हो गया। उसके बाद डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। आप मुझे ये बताओ क्या आप ये कर चुके हो गया क्वेश्चन खुद ट्राई? अगर आप कर चुके हो तो मैं छोड़ दूं इसको, और नहीं किया है तो अभी इसको पूरा करते हैं, ठीक है? ये केवल स्टेटिक ईएमआई पे है कि इमोशनल ईएमआई पे है, इस बात का जवाब दीजिए। ये स्टेटिक ईएमआई का क्वेश्चन है कि इमोशनल ईएमआई का है? क्या लूप को घुमाया गया है क्या इसमें, या किसी वायर को चलाया गया है? इसमें केवल बी को चेंज किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? स्टेटिक ईएमआई पे बेस्ड। आप जरूर इसे करें अगर नहीं किया है तो, कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, ये पूरा करना। एग्जाम्पल 6.3 देखते हैं हम, 6.3 स्टेटिक ईएमआई वाला आप पूरा करें भाई। अब 6.3 देखो इमोशनल पे मिलेगा, शायद तो आज पढ़ा उस पे हो। 6.3 देखते हैं। अ सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स, सर्कुलर कोयल है रेडियस 10 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स है 500 एंड रेजिस्टेंस 2 ओम इज प्लेस्ड विद इट्स कोयल इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जिधर भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर ये रखी गई है। मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है साउथ से नॉर्थ, तो ये जो कोयल है ये ऐसे रखी गई है, किस तरह से रखी गई है, क्या दिया गया है, विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर। ये कोयल रख दी हमने, सर्कुलर है तो सर्कुलर मान लो, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है यूं। तो ये पूछता है इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पीछे की तरफ चलेगी, पाई रेडियन घूमगी इन 25 सेकंड, 180 डिग्री घूमी है 0.25 सेकंड में शायद ये दिया गया है। हाँ, तो इसका मतलब आपको ओमेगा दे दिया, ओमेगा बताओ कितना हो गया? अगर 180 डिग्री टर्न कर गई मतलब आधा रिवोल्यूशन हो गया 0.25 सेकंड में, तो ओमेगा हो गया पाई रेडियन अपॉन 0.25 सेकंड। बताओ ओमेगा लिखना आ गया कि नहीं इसके रोटेशन को देख के? ठीक है। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कोयल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। भाई आज जो पढ़ाया है ना, आज वाली क्लास में जो बताया है सेम उस पे बेस्ड है, बिल्कुल एज इट इज उस पे बेस्ड है। इन्होंने तो पूछा है ईएमएफ और करंट, इन्होंने आपसे दो चीजें पूछी, एक तो ईएमएफ कितना होगा, दूसरी बात करंट कितना होगा,
मैं एक चीज और पूछ लेता हूं आपसे, तीसरी चीज जो आप और निकालेंगे, चार्ज फ्लोन थ्रू क्रॉस सेक्शन कितना होगा और वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। ये सवाल भी आप पूरा करें, खुद करें ये सवाल और पूरा कीजिए, और ये तीनों चीजें आप इसमें निकालना, ठीक है। एग्जाम्पल फोर्थ मैंने करवा दिया, फिफ्थ मैंने करवा दिया, सिक्स बताओ क्या कल हम कर चुके हैं एक बार। सिक्स क्वेश्चन पढ़िए, सिक्स क्वेश्चन में एक मेटल की रोड है, पेज नंबर 213 पे है ये, एक मेटल की रोड है और उसको घुमाया जा रहा है, तो उसमें पूछा है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। कल हमने देख लिया कि अगर एक सिंगल वायर घूमती है एक एंड के अबाउट, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर या एल स्क्वायर। बताओ कर चुके हो कि नहीं है? Yes, तो ये वही इन्होंने दो तरीके से करके दिखाया है कि ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए वायर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेवंथ में भी कुछ नहीं है, एक की बजाय 10 स्पोक लगा दी। कल हमने सीखा था चाहे आप n स्पोक लगा लो, एक्सेल और रिम के बीच में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, क्या ये नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? No, बिल्कुल नहीं करता। तो ये भी आपका हो जाएगा। मैं अभी आपको कुछ काम आपका समेटते जा रहे हैं भाई, यहां तक इतना काम तो आज आपको कर ही लेने। उसके बाद अगली चीज है एनर्जी कंसिडरेशन, एक क्वांटिटेटिव स्टडी। हमने पढ़ा था कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, तो वो क्वालिटेटिवली बताया था कि इसको फेंक दिया और यूं हुआ और इस तरह से। और मैंने उस दिन वो एक पेज नंबर था लेंज लॉ वाला, मैंने कहा था दो चीजें पूरी पढ़ के देखना, एक तो ये कि लूप अगर कटा हुआ वो पूरा ना हो तो क्या होगा, और अगर वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड नहीं होती तो क्या होता। क्या वो पेज पढ़ लिया है क्या आपने, वो वाला पेज लेंज लॉ वाला? देखो आज का आप काम सुने, आज का काम जो आपको कर देना, ये एडी करंट स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 218 पे, वो नहीं करना। पेज नंबर 217 तक, मतलब ये सोल्ड एग्जांपल है, बड़ा अच्छा एग्जांपल ये भी। आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, एक लाइन टू लाइन आपको समझ में आ जाना चाहिए। मुझे लगता है आपकी बायो क्लासेज ऑफ है ना, मैसेज आया हुआ था। यस सर, आप ले लो। हाँ तो ठीक है, मैं टाइम रहा तो मैं ले लूंगा। मैं देखता हूँ जो भी टाइम है ना आपका बायो वाला, शाम का होता है शायद वो। कितने बजे होती है बायो की क्लास? 2:10 से 3:10, ठीक है। मैं देखता हूं उस समय। आप एक काम करेंगे, 205 से और 217 ये पेजेस अपने पढ़ के रखें, 205 से 217 तक एक एक क्वेश्चन करके रखें, एक एक पेज पढ़ के रखें कि भाई मतलब एक एक पॉइंट। हम पहले ये चैप्टर एनसीईआरटी से पूरा समेट ही रहे, उसके बाद पेज नंबर 224 पे आप आ जाना, पेज नंबर 224 पे, और वो टॉपिक स्टार्ट करना जहां पे लिखा हुआ है एसी जनरेटर। वो टॉपिक स्टार्ट करना जहां लिखा हुआ है एसी जनरेटर, और यहां से लेके पेज नंबर 226 तक, पेज नंबर 224 एसी जनरेटर से पेज नंबर 226 तक ये काम करना, फिर ये काम करना। अच्छा, उसके बाद अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, ये मैं आज के लिए होमवर्क दे रहा हूं, अगर मैं दूसरी क्लास लूं तो आप पहले करके रखें, तब अगली क्लास का फायदा है। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना मैं क्या काम दे रहा हूं आपको, केवल एनसीईआरटी और कहीं से नहीं, अभी पहले हम यहीं से पूरा कर रहे हैं। इसके बाद जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, इंडक्टेंस वाले एग्जाम्पल नहीं करने, बाकी सारे करने, एग्जाम्पल नहीं सॉरी एक्सरसाइज पे आप आए, क्वेश्चन नंबर 6.1 पूरा करना है, 6.2 करना है, 6.3 करना है, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 7 तक। उसके बाद इंडक्टेंस स्टार्ट हो गया है, जो अभी हमने पढ़ा नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो नहीं। तो भाई ये मैंने अभी कुछ काम आपको करने के लिए दिया है, पेज नंबर 205 से 217 एक एक लाइन पढ़नी है, ठीक है, जो भी समझ नहीं आए पूछना है, 224 से 226 एसी जनरेटर पूरा करना है, और एक्सरसाइज के 6.1 से 6.7, और इनके दौरान जितने भी सोल्ड एग्जाम्पल आ गए हों, जितने भी सोल्ड एग्जाम्पल यहां से यहां तक आ चुके वो करना है। अभी आप फ्री हो मेरी क्लास के बाद, और आपकी एक बायो की क्लास तो होती है 2:10 से 3:10, दूसरी कितने बजे होती है वो और बताओ।
3:20 से 4:20 क्योंकि मेरी एक प्लस वन क्लास है 2 बजे तक, तो मैं देखता हूँ किस तरह से टाइम सेट बैठता है, शायद 2 या 1:50 तक वो क्लास होती है। आप बताओ भाई इस समय क्लास ले कि इस समय ले, जब तक ये सारा काम आप कर चुके होंगे। अच्छा केवल गौड़ सर का हो है क्या? ठीक है ठीक है, गौड़ सर की ये वाली क्लास है पहली क्लास। तो ठीक है मैं अगर अरेंज हो पाया तो मैं ये करता हूँ उस समय, क्लास में लेता हूँ। लेकिन आप भाई ये इतना काम करके रखे तब तक, क्योंकि वो डिस्कशन पे होगी क्लास, पहले इतना पार्ट हम करें पूरा फिर आगे बढ़ेंगे। चले ठीक है, आगे हम फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।